सहजनवा, पिपराइच, कैपरेगंज, खजनी, बांसगांव, चिल्लूपार, चौरी चौरा के प्रत्येक सेक्टर में जन पंचायत दिवस मनाया गया। बता दें कि 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की याद में अगस्त क्रांति दिवस पर देश की आजादी के लिए पूर्ण समर्पित करने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए सपाइयों ने सरकार को घेरने का काम किया। इस मौके पर सपा पदाधिकारियों ने बीजेपी सरकार की पोल खोलते हुए अखिलेश यादव के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। गोरखनाथ में एक मैरिज हॉल में हुए जन चौपाल का इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने जायजा लिया और इस मौके पर सपा महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार से खास बातचीत भी की। अखिलेश यादव के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में सभी जिलों के विधानसभाओं में जन चौपाल लगाई जा रही है सरकार के विरोध में, और खास करके मुख्यमंत्री के मौजूदगी समय में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान क्या कुछ उपलब्धियां थी उसको लेकर के भी, उनकी उपलब्धियों को लेकर के भी इस जन चौपाल के जरिए बताने की कोशिश की गई और यहाँ के लोगों की समस्या को सुन करके उसे चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा। पीछे हमारे आप बैनर देख रहे हैं, उस बैनर पे आपको साफ नजर आ रहा होगा कि उस बैनर पे जो भी तमाम, चाहे वो फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, या फिर जो है मुख्यालय से 4 लेन को जोड़ने की बात हो, जो है कन्या विद्याधन योजना की बात हो, या फिर छात्र छात्राओं के हाथों में लैपटॉप देने की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, या 1090 की बात हो, तमाम वो चीजें जो है इस बैनर पे आपको नजर आ रही है। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या क्या उपलब्धियां हुई थी उन उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश की गई और साथ ही यहाँ के लोगों के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दे को भी एक पूरी तरह से पत्रक बना करके अखिलेश यादव को भी सौंपा जाएगा और सरकार से भी मांग की जाएगी उन समस्याओं का निवारण करने के लिए और साथ ही चुनाव में उसे मुद्दा भी बनाया जाएगा। महानगर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, तमाम ये लोग मौजूद है। आज बारिश के बावजूद आप लोग जिस तरीके से जन चौपाल लगाए हुए हैं, क्या इस जन चौपाल का उद्देश्य है, क्या कुछ उपलब्धियों को लेकर के आप लोग आए हैं, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है या 2024 में क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि 9 अगस्त उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम रखा पूरे प्रदेश में कि जन पंचायत के माध्यम से हम जनता के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएं और जन चौपाल लगा करके अपने सरकार की उन उपलब्धियों को कि जो 2012 से 2017 के लिए हमने किया उनको बताने का काम, और वर्तमान में क्या हो रहा है देश और प्रदेश में उन्हें जनता के बीच ले जाने के लिए आज हम इस खराब मौसम में भी ये तीसरा चौथा कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे भी हमारे कार्यक्रम लगे हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गोरखपुर में जब एम्स की बात आई, सरकार थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बेशकीमती जमीन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एम्स को बनाने के लिए फ्री में दिया। किस पर एम्स बने? गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देकर के गोरखपुर में 2 विश्वविद्यालय बनाया, जो ऐतिहासिक काम हुआ गोरखपुर में, गोरखपुर महाराजगंज, गोरखपुर कुशीनगर, गोरखपुर देवरिया को 4 लेन से जोड़ने का काम हमारे नेता ने किया। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज को बच्चों के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। इंसेफ्लाइटिस मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, या फिर सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, इस सरकार में उसका उद्घाटन भी हुआ और सरकार कहती भी है कि हमारी वजह से एम्स आ गया, वरना यहाँ एम्स से वंचित थे लोग। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जमीन हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हमने कहा कि एम्स बने, हमारे नेता ने कहा कि एम्स बने, उसके लिए गोरखपुर के हृदय हॉस्पिटली को इतनी बड़ी, इतनी कीमती जमीन दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके उद्घाटन और शिलान्यास के समय उस नेता को नहीं बुलाया गया जिसने इतनी बड़ी जमीन दिया था उसको। ये लोग गोरखपुर महानगर आज भी जाम से, जल निकासी से, थोड़ी बरसात हुई है, आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, सड़कों के किनारे सड़कों पर पानी लग गया, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर जाम, अभी जैसे पानी रुकेगा ऐसा जाम लगेगा, लोग घरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, जैसा कि अभी ये आप लोग उनकी सरकार के, अखिलेश यादव के मौजूदगी समय में जब सरकार थी तो उसकी उपलब्धियों को लेकर के पहुंच रहे हैं, क्या जनता की समस्याओं को भी आप सुन रहे हैं? एक पत्रक भी बनेगा वो अखिलेश यादव को जाएगा, तो क्या उसको चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे आप लोग? हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों से कह रखे हैं कि जो वार्ड की समस्या है, जो मोहल्ले की समस्या है, जहां सड़कें नहीं है,
जहां दुश्वारियां हैं आने जाने का उनको लिख के दीजिए, हम लोग 30 तारीख को सब इकट्ठा करके जिलाधिकारी के माध्यम से उसको भेजेंगे। ये समस्याएं हैं, इतना ही नहीं, जहां अत्याचार हुआ है, जहां लोगों को परेशान किया गया है, हम उनको भी इकट्ठा कर रहे हैं। वो समस्या जो भी समस्या है, सारी समस्याओं को हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, इनके माध्यम से मुझे प्राप्त होगा। जन चौपाल के जरिए मिशन 2024 का रास्ता आसान हो पाएगा सपा के लिए? जो जिस तरह का समर्थन मुझे मिला है इस बरसात में, लोग कह रहे हैं कि साहब 1200 सिलेंडर मैं खरीद रहा हूं, 145 रुपया दाल खरीद रहा हूं, 100 रुपया डीजल पेट्रोल खरीद रहा हूं। लोग पूछ रहे हैं मिट्टी का तेल कहां गया, बनेगा भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा मांगी हुई है, गरीब का बेटा शिक्षा नहीं पा रहा है, ये सारे मुद्दे बनेंगे और लोकतंत्र को और देश के संविधान को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़ा है। इंडिया इस बार देश में सरकार बनाएगी। यानी एक बार इंडिया को लेकर के एक बार फिर से जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक पूरी तरीके से जन चौपाल लगाकर जनता का समर्थन जो है मांगा है, और कहीं ना कहीं पूरे जन चौपाल के जरिए सरकार जो उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में जो उपलब्धियां हुई थी उन उपलब्धियों को गिनाने की बात कही, और साथ ही जो आम जनता है उनसे डोर टू डोर मिल करके उनकी जन समस्याओं को भी सुन रहे हैं, महंगाई भ्रष्टाचार तमाम इस तरह के मुद्दे को लेकर के ये सरकार पे आरोप भी लगा रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि इस बार चुनावी मुद्दा बनेगा और एक बार फिर से अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया को जिता करके एक बार फिर से मिशन 2024 को फतेह बनाएंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज।